तो कहानी के शुरू में हम मिलते हैं बीमू और सीरी से। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बीमू बोर्नियो नाम के एक आइलैंड पे जाने की तैयारी में है, जहाँ के बच्चों को उसे एज अ टीचर पढ़ाना है। सीरी भी उसके साथ जाने वाली थी और मैनेजमेंट ने उसके लिए एक कार और बोर्नियो का एक टूर गाइड भेजा था। ड्राइवर बातों ही बातों में बीमू को बताता है कि उस आइलैंड की तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है, क्योंकि पिछले साल वहाँ एक बहुत बुरा सैलाब आ गया था। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई स्कूल होगा। जवाब में बीमू कहता है, वहाँ एक स्कूल है, मैंने सर्च किया है और रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ सिर्फ 7 ही बच्चे पढ़ते हैं। ये ड्राइवर थोड़ा और उन्हें इस आइलैंड के बारे में बताते हुए समझाता है कि उस आइलैंड में रहने वाले लोगों के कुछ असूल हैं, कुछ ट्रेडिशंस जिन्हें वो फॉलो करते हैं। बीमू और उसके वाइफ को भी वही ट्रेडिशन, वही रिचुअल्स फॉलो करना होंगे। ड्राइवर की बात काट कर टूर गाइड कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी इनके बारे में नहीं मालूम था, मैंने भी कुछ ट्रेडिशन फॉलो नहीं किए, जिसकी वजह से गांव वाले भी काफी गुस्सा हुए और मुझे भी बहुत सी तकलीफों का सामना हुआ। कैसी तकलीफें, ये उसने नहीं बताई। ये लोग अपने सफर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि एकदम से सिरी को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। विंडो के बाहर जब वो दिखती है तो वहाँ एक फीमेल हेड आग के ऊपर उड़ रहा था, जिसे देख कर वो बुरी तरह डर गई। उसने इस बारे में इन तीनों को भी बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पे द्वार नहीं किया। वो इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि तीनों मिलकर उसे रिलैक्स करते हैं। वो इन तीनों को समझाने की कोशिश करती है कि वो सर उड़ रहा था, आग पे था, उसकी कोई बॉडी नहीं थी, लेकिन ये लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। एकदम से सिरी को वॉमिट होने लग जाती है और इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। एकदम से उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आती है कि कोई तेजी से उनकी तरफ पड़ रहा है। देखने पे उन्हें पता चला कि एक कॉफिन उनकी तरफ आ रहा था। इसे देखकर वो डर गए। जल्दी से ये लोग गाड़ी में बैठे और इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब इनकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ड्राइवर सिरी और बीमू से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई लकी चार्म है? लेकिन इनके पास ऐसा कुछ ना होने पर वो कहता है कि अगर अंडे या चावल हैं वो दे दो। इनके पास अंडे थे, जो वो इस कॉफिन के पास फेंक कर अपनी गाड़ी को चलाकर आगे बढ़ जाते हैं। और पीछे हमें कॉफिन में से एक काला डरावना हाथ निकलता दिखाया जाता है। जल्द ही सुबह भी हो जाती है और ये लोग एक करीबी गांव पहुंचकर खाना खाते हैं। स्त्री अभी तक घबराई हुई थी, जिसे बीमू रिलैक्स करता है और सिरी सवाल करती है कि वो कॉफिन था क्या, जिस पर टूर गाइड बताता है कि असल में यहाँ के लोग जब मरते हैं तो इन्हें दफनाया नहीं जाता, बल्कि कॉफिन में डालकर उन्हें दरख्तों पर लटका दिया जाता है। इनमें से जो लोग काला जादू करते थे उनकी स्पिरिट यानी रूह ऐसे ही बेचैन रहती है। ये लोग मरने के बाद इंसानों का शिकार कर करके खाते हैं और ऐसे कॉफिन अक्सर यहाँ बोर्नियो में देखने को मिले हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। वो सीरी से कहता है, अगर तुम चाहो तो अपनी मॉम के पास जा सकते हो, लेकिन सीरी उसे कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। आगे जाने पर एक टेंजन नाम का टीचर और गांव का सेक्रेटरी इनका अपने गांव में वेलकम करता है। यहाँ के हेड ने बीमू और सिरी के लिए एक बोट भेजी थी, जिसके जरिए इन्हें बैठकर आगे गांव तक जाना था। टेंजन इन लोगों से कहता है, आप लोग आगे जाएं, मुझे एक दूसरे स्कूल में पढ़ाने जाना है। ये लोग बोट में बैठकर गांव के लिए निकल जाते हैं, जबकि टीचर टूरिस्ट से पूछता है कि दरमियान में कुछ हुआ तो नहीं था। टूरिस्ट बताता है, हाँ, पहले कुयांग उसके सामने आ गई थी और फिर एक उड़ता हुआ कॉफिन, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। टेंशन जवाब में कहता है, ठीक है, अभी तो इन्हें बहुत सारी मुश्किलें यहाँ फेस करनी पड़ेंगी। इस लड़की के यहाँ आने की पेशनगोईयां तो पहले से ही हो रही थी, स्पेसिफिकली सिरी की नहीं, बस गांव वालों ने ये पेशनगोई की हुई थी कि कोई दूसरे आइलैंड से एक लेडी यहाँ आएगी। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये तो आगे ही हमें देखने को मिलेगा। यहाँ दिखाया जाता है कि बीमू और सिरी दोनों गांव तक पहुंच गए हैं। गांव का सेक्रेटरी उन्हें गांव के किनारे पर छोड़कर खुद चला जाता है। इन्हें यहाँ से आगे खुद ही जाना था। घने जंगलों के दरमियान में से होता हुआ ये रास्ता इन दोनों को ही डरा रहा था। यहाँ पर ये लोग दरख्तों से लटके हुए बहुत से कॉफिन में देख लेते हैं, जिससे सिरी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और बीमू उसे रिलैक्स करते हुए किसी तरह इस जगह से निकाल लेता है। आगे बढ़कर ये एक ओल्ड लेडी से स्कूल का रास्ता पूछते हैं। जो लेडी उन्हें रास्ता तो बता देती है, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत ही अजीब तरीके से वो लेडी और उसके साथ खड़ा हुआ एक आदमी इन दोनों को दिख रहा था। आगे जब ये लोग स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले मिलते हैं यहाँ के प्रिंसिपल से। वो यहाँ इन दोनों को रहने के लिए इनका कैबिन देते हैं और इनके साथ खाना खाते हैं। खाना खाते हुए प्रिंसिपल ने इन्हें बताया कि पिछले साल उनके गांव में एक बहुत ही बुरा सैलाब आया था, जिस सैलाब की वजह से बहुत सारे बच्चे मारे गए। यहाँ के जवान लोगों ने माइग्रेशन कर ली और अब बस सिर्फ 7 ही बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे बेशक 7 हैं, लेकिन उनके फ्यूचर को भी ब्राइट करना इनकी जिम्मेदारी है। खाते खाते एकदम से प्रिंसिपल उठ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि एक बात तुम्हें बताना भूल ही गया, हमारा ट्रेडिशन है कि अपने फूड में से कुछ हिस्सा हमें बाहर जंगलों में देना पड़ता है, और इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा मानना है कि जो चीज हमें नेचर ने दी है हमें उसमें से नेचर का हिस्सा नेचर को वापस करना होगा। ये सब बताने के बाद जाने से पहले प्रिंसिपल सिरी से कहते हैं, अगर तुम चाहो तो स्कूल में आकर पढ़ा सकते हो, ऐसे तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा
और तुम पूरा दिन घर पे भी नहीं बैठोगी। ये दोनों भी प्रिंसिपल की बातों पे एग्री कर लेते हैं, जिसके बाद बीमू प्रिंसिपल को बाहर तक छोड़ने के लिए आता है। उसके बाहर जाते ही सिरी को यहाँ कुछ हलचल महसूस होती है और हम देखते हैं कि एक अजीब सी ओल्ड लेडी सिरी के ऊपर नजर रखे हुए थी। यहाँ बीमो प्रिंसिपल से बात करते हुए एक अजीब कपल के बारे में बताता है जो उन्हें जंगल में दिखा था। वो बहुत ही अजीब तरीके से इन दोनों को देख रहे थे। द प्रिंसिपल उसकी बात पे हंसते हैं और कहते हैं कि उन दोनों का नाम अलैंग और तंबी है। उन दोनों के बच्चे गुम हो गए थे, उसके बाद से ही गांव वालों ने उन्हें निग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी गांव वालों से दूर जंगल में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि तंबी काला जादू करती है और उसी की वजह से गांव में वो सैलाब आया था। जिस औरत की प्रिंसिपल बात कर रहे थे, ये वही औरत है जो अभी भी सिरी के ऊपर नजर रखे हुए है। प्रिंसिपल चले जाते हैं, ये लोग भी सो जाते हैं और आधी रात में इनका दरवाजा खटखटाता है। रिमोट कर चेक करने के लिए जब जाता है तो एक औरत जल्दी से इनके घर के अंदर आ जाती है। ये तंबी ही थी जो इन्हें कुछ कहती तो नहीं, लेकिन इन दोनों को गौर से देखकर सिरी के पेट पर हाथ लगाकर यहाँ से चली जाती है। उसकी इस हरकत से ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। ये बात सुबह होने पर ये दोनों प्रिंसिपल को बता देते हैं और प्रिंसिपल हंसते हुए उससे कहते हैं, अरे परेशान होने की कोई बात नहीं, तंबी हर नए लोगों के साथ ऐसा ही करती है। खैर अब ये दोनों अपनी ड्यूटी शुरू कर देते हैं। सिरी जिस क्लास में पढ़ा रही थी उस क्लास में सिर्फ 4 ही बच्चे थे, लेकिन जैसे ही वो किताब से मुंह उठाकर बच्चों को देखती है तो पूरी क्लास में उसे मरे हुए बच्चों के भूत दिखाई देने लग जाते हैं। इस चीज से वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर आकर ये बात बीमू को बताती है। बीमू से कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ये तुम्हारे इल्यूजंस होंगे, शायद तुमने ड्राइवर की बातों को ज्यादा सर पे सवार कर लिया है, ज्यादा मत सोचो। बीमू यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिरी को अपने पर्दे के पीछे किसी आदमी का शैडो नजर आता है। वो विंडो के पास जाकर जैसे ही पर्दा हटाती है तो वहाँ कोई नहीं था। रात में खाना खाते हुए वो बीमू से कहती है, बीमू मुझे लगता है कि कोई हर टाइम हमारे ऊपर नजर रखे हुए है। जिसके जवाब में बीमू कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा वहम कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, यहाँ के लोकल लोगों से मिलो जुलो, अगर तुम लोकल लोगों की रिस्पेक्ट करोगी तो वो भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अगले दिन हम बीमू और सिरी दोनों को ही स्कूल के अंदर देखते हैं। वो बच्चों के साथ खेल रहे थे कि एकदम से उन्हें दूर दरख्त के पास तंबी नजर आती है और फौरन ही बाद उन्हें स्कूल की एक बच्चे की चिल्लाने की आवाजें आती है। ये दोनों जब चेक करने के लिए अंदर गए तो इन्होंने देखा कि एक लड़की रूफ को तोड़कर उसके अंदर गई हुई थी। बीमू उसे बचाने के लिए एक टेबल के ऊपर चढ़कर उसके पास जाता है और रूफ के अंदर उसे वो स्टूडेंट पोजेस्ड हालत में मिलती है। यानी ऐसे जैसे किसी चीज ने उसे अपने कंट्रोल में किया हुआ हो। उसकी आंखें भी अजीब हो रही थी और उसके मुंह से भी खून आ रहा था। ये लड़की बीमू को डरा भी रही थी। बीमू इससे पहले ये कुछ कहता उसे दूसरे कमरे से सिरी की चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये लोग जाकर देखते हैं तो सिरी दूसरे कमरे में लॉक थी और वहां उसे बहुत सारे बच्चों की स्पिरिट्स नजर आ रही थी। यानी मरे हुए बच्चों के भूत जो उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस कह रहे थे। और इस वाकियत से तो सिरी और भी ज्यादा डर गई थी। उसके पेट में भी शदीद दर्द होने लगा था। कुछ देर बाद देखने को मिलता है कि सिरी जिस रूम में बंद थी उसका दरवाजा भी खुद ब खुद ही खुल गया, जहाँ पर सिरी बेहोश पड़ी थी। जबकि दूसरी तरफ जो लड़की क्लास के रूफ के अंदर थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी वो भी बेहोश हो जाती है। सीन कट होकर रात में हमें सिरी को दिखाया जाता है जो जब अपने घर पे आराम कर रही थी, तभी अचानक से उसके घर की खिड़की तोड़ते हुए यहाँ कुएंग आ गई। कुएंग यानी बोर्नियो आइलैंड में पाए जाने वाली वो स्पिरिट जिसका सिर्फ हेड आग के ऊपर उड़ता है। इस कुएंग ने जैसे ही सिरी के ऊपर हमला किया उसने पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि तंबी है। इससे पहले कि तंबी उसे कुछ कह देती सिरी की आँख खुल जाती है और हमें मालूम होता है कि ये सब जो उसने देखा वो उसका सिर्फ एक बुरा सपना था। अगली सुबह प्रिंसिपल उनके घर आते हैं ये बताने के लिए कि पिछले दिन जो कुछ भी स्कूल में हुआ था उससे बच्चे काफी डर चुके हैं, इसीलिए आज स्कूल बंद रहेगा, वो लोग भी स्कूल ना आए। इस सब के बाद प्रिंसिपल सिरी की तबीयत पूछते हैं जो अभी भी खराब थी और साथ ही उन्हें विलेज हेड का पैगाम देते हैं कि वो इन दोनों को अपने पास मिलने बुला रहे थे। बीमू और सिरी उनके पास चले जाते हैं और सरदार फिर इन दोनों को यहाँ एक मीना नामी लड़की से मिलवाने के लिए आते हैं। मीना एक जादूगर थी और उसे ये जादू की स्किल्स अपनी फैमिली से मिली थी। आखिरी रात सिरी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे मालूम करने के लिए मीना उसका हाथ पकड़ती है और चेक करके उसे बताती है कि वो तो प्रेग्नेंट है। ये बात तो सिरी को भी मालूम नहीं थी, वो तो ये जानकर खुश हुई, लेकिन यहाँ के सरदार उनके ऊपर गुस्सा करने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें बताना चाहिए था। अब सिरी प्रेग्नेंट थी उसमें इन लोगों का क्या नुकसान था। इनके गुस्से के पीछे की वजह सिरी पहचान नहीं पाती और उनसे पूछती है कि आखिर आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है। जिस बात का जवाब मीना देते हुए कहती है
कि यहाँ पे एक प्रोफेसी चल रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि एक दूसरे आइलैंड से प्रेग्नेंट औरत यहाँ आएगी, जिसके रेड फीटस से यहाँ मौजूद डीमन अपने आप को पूरा कर लेगा और फिर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इस आइलैंड पे हुकूमत करने के साथ साथ वो इस आइलैंड को तबाह भी कर देगा। उनकी बातें सुनकर सिरी और बीमू भी बुरी तरह डर गए। मीना उनसे कहती है, आप लोग डरे नहीं, मैं कुछ करती हूँ। यहाँ कुछ पत्तों को लेकर उनके ऊपर तंत्र मंत्र पढ़ती है और एक आदमी को उन पत्तों को उबालने का कह देती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि सिरी बेहोश हो चुकी है। मीना उसे होश में लाने की जब कोशिश करती है तो एकदम से सिरी को होश आया, लेकिन वो बहुत ही अजीब हो गई, ऐसे जैसे किसी ने उसे पोसेस किया हुआ हो। उसका पूरा का पूरा मुंह काला हो गया और आंखें अजीब हो गईं। जिस वक्त उसकी हालत अजीब थी, बाहर का मौसम भी भयानक हो रहा था। तेज तूफान के साथ बहुत सारे काले बादल छाने लगे थे और ये इस बात की तरफ इशारा था कि शायद गांव वालों का कहना अब सच हो रहा है। यहाँ मीना सिरी को कंट्रोल करती है और किसी तरह उसे पत्तों का कड़वा पानी पिलाकर ठीक कर देती है। इस वाक्य के बाद दिखाया जाता है कि हेड और उसके कुछ साथी आपस में एक दूसरे से मीटिंग करते हैं। गांव का सेक्रेटरी हेड से कहता है कि इससे पहले कि यहाँ कुछ भी बुरा हो, हमें चीजों को कंट्रोल में ले लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सब तंबी ही करती है, क्योंकि वो एक कुंजी है और उसकी बॉडी को उसका हस्बैंड प्रोटेक्ट करता है। हमें उसे मारकर खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि वो एक बुरे सपने की तरह हमारे गांव पे हुकूमत करने लगे। सारी बातें करने के बाद सेक्रेटरी जाता है टेंजन के पास, जो कि एक टीचर था। टेंजन भी एक शेमन था, ज्यादा बड़े तो नहीं लेकिन छोटे मोटे मसले वो भी सॉल्व कर लेता था। वो यहाँ सेक्रेटरी और अपने साथी से कहता है कि स्कूल के इर्द गिर्द उसने खुद एक सिक्योरिटी गार्ड बनाया था और सारे बच्चों को उसने प्रोटेक्शन एमुलेट्स भी दिए थे। फिर पता नहीं कैसे उस डीमन ने बच्चे को पोजेस कर लिया, यानी वो डीमन उनकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सेक्रेटरी से कहता है, अच्छा ये बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे पास सिरी के लिए कोई एमुलेट है? जिस पर ये लड़का उसे कहता है, अभी तो मेरे पास सिरी के लिए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक खास चीज है। मेरे पास कुयांग के बाल हैं, जो असली कुयांग के पास आने पर हिलते हैं। वो बताता है कि ये बाल मुझे अपने बिस्तर से मिले थे, जब कुयांग मेरे बेटे और मेरी बीवी को मारने के लिए आई थी। यहाँ हम देखते हैं कि बीमू अपने घर जाने की तैयारी में था, क्योंकि अब उसके बच्चे और उसकी बीवी की जान को खतरा था। तेजी से तैयारी करके जब वो जाने ही वाले होते हैं तो टेंशन आकर उसे बैड न्यूज देता है कि शहर जाने वाली बोट आज नहीं आई, वो अब सुबह ही शहर जा पाएगा। साथ ही टेंशन उनसे ये भी कहता है कि आप लोग टेंशन मत लेना, मैं आपके घर के इर्द के कुछ प्रोटेक्शन स्पेल्स बना देता हूँ, जिससे आप लोग हर बुरी बला से महफूज रहेंगे। और हाँ, मेरी एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, सुबह होने तक कमरे से बाहर ना निकलना, रात गहरी हो जाती है। और इन्हें एकदम से अपने घर के करीब हलचल की आवाजें आती है। उनके घर के इर्द के कुयांग की उड़ रही थी, जिसको फिर वो अपनी छत के ऊपर महसूस करते हैं। और इस टाइम इन्हें कुयांग की दर्द भरी खौफनाक चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है, जिससे ये बुरी तरह डर जाते हैं। लेकिन फिर खैर, रात किसी तरह कट ही जाती है। सुबह ये लोग जब शहर जाने के लिए निकले तो इन्होंने देखा कि शहर जाने वाली बोट को किसी ने जला दिया था, और ये काम भी वो जानते थे कि कुयांग ने किया होगा। बीमो यहाँ नोटिस करता है कि बोट के पास खड़े हुए बहुत सारे लोग एकदम से पोजेस होने लगे हैं, और दूर खड़ी तंबी ये सब कुछ चुपचाप देख रही है। वो जैसे ही तंबी के पास जाने लगता है तो तंबी वहां से गायब हो जाती है। वो जब सिरी के पास वापस आया तो उसने देखा कि इस रिश में सिरी कहीं गुम हो चुकी है। वो हर जगह अपनी वाइफ सिरी को तलाश करता है, लेकिन जब सिरी उसे कहीं नहीं मिलती तो वो बुरी तरह परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए स्कूल के पास आता है, जहां उसे मिलती है वही बच्ची जो पिछले दिन पोजेस हो गई थी। बीमू जब उसे सिरी के बारे में पूछता है तो वो जंगल की तरफ इशारा कर देती है। बीमू जब वहां बैठता है तो उसे वहां सिरी का स्कार्फ और ज्वेलरी मिली, लेकिन ऐसा ब्रेसलेट तो कभी उसने पहना ही नहीं था। उसे याद आ गया कि ऐसा ब्रेसलेट उसने सेक्रेटरी के हाथ में देखा था। वो सेक्रेटरी के घर जाकर उसे लड़ने लग गया कि मुझे पता है तुमने ही सिरी को किडनैप किया है, देखो तुम्हारा ब्रेसलेट मुझे मिला है उसके कपड़ों के पास से। पर एकदम से बीमू ये देखते हुए चुप हो गया कि सेक्रेटरी ने अभी तक अपना ब्रेसलेट पहना हुआ था। ऐसा ही एक और ब्रेसलेट टेंजन के पास भी था। सिरी के घूमने की खबर भी पूरे शहर में फैल चुकी थी, इसीलिए गांव के हेड और मीना भी यहां बीमू के पास आ जाते हैं। मीना बीमू से कहती है कि अगर तुम्हें वहाँ टेंजन का ब्रेसलेट मिला है तो इसका मतलब तुम्हारी बीवी को किडनैप टेंजन ने ही किया है, और मुझे लगता है कि वही है जो तंबी की मदद कर रहा है। अब मीना सिरी को ढूंढने के लिए एक जादू कहती है, जिस जादू की वजह से एक धुआं पैदा होता है और वो धुआं इन्हें सिरी तक ले जाता है। जैसे ही ये लोग सिरी के पास पहुंचते हैं तो कुयांग इन्हें डराने लगते हैं, लेकिन बीमू हिम्मत करता है और अपनी वाइफ सिरी को बचा ही लेता है, जो इस टाइम बेहोश थी। ये लोग सिरी को उठाकर
जंगल में बने हुए एक कैबिन में ले आते हैं मीना को। ये बात पता चल जाती है कि कुयांग को उनके यहाँ होने की खबर हो चुकी है, इसीलिए वो सबसे पहले कैबिन के चारों तरफ एक ऐसा जादुई मंत्र पढ़ती है जिसकी वजह से कुयांग यहाँ आ न सके और फिर रूम के अंदर जाकर सीढ़ी के ऊपर कोई जादू करना शुरू कर देती है। बाहर वो सेक्ट्री और बीमू को ये काम देते हैं कि वो लोग जाकर तंबी को मारें ताकि वो दोबारा सीढ़ी के ऊपर कोई जादू ना कर पाए। ये लोग जैसे ही तंबी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तंबी इस वक्त भी जादू ही कर रही थी, और इससे पहले कि वो तंबी को मार देते तंबी उन्हें रोकती है और कहती है कि जो तुम्हें नजर आ रहा है वो सच नहीं है, सच असल में ये है कि मेरे अलावा भी इस गाँव में एक कुयांग है और वही कुयांग सीढ़ी के पीछे पड़ी हुई है। मैं तो सीढ़ी के बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं जानती थी वो दूसरे कुयांग अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए सीढ़ी के बच्चे को सेक्रीफाइस कर देगी। सीन कट होकर हम तंजिन को देखते हैं जो अभी भी असली कुयांग की तलाश में था। कुयांग के बालों के सिरके, वो जब इन बालों को लेकर तंबी के पास जाता है तो ये बाल नहीं हिलते, और जैसे ही वो मीना के पास जाता है तो ये बाल हिलने लग जाते हैं। यानी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि जिस मीना को ये लोग अच्छा समझ रहे थे, जिससे ये लोग अपने तौर पे इलाज करवा रहे थे, असल में वही तो कल्प्रिट थी, वही तो कुयांग डीमन थी जिसे अपनी ताकतें पूरी करने के लिए सीरी के बच्चे का सेक्रीफाइस चाहिए था, और उसने इस सेक्रीफाइस शुरू भी कर दिया था। कहानी के शुरू में जहां हमने देखा था कि तंबी ने आकर सीरी के पेट पे हाथ रखा, तब सीरी ने उसके बच्चे के ऊपर कोई प्रोटेक्शन स्पेल्स लगाए थे जिसे अब मीना तोड़ भी चुकी थी। सारी सच्चाई जाने पर यहाँ बीमो भी अपनी बीवी सीरी को बचाने के लिए जाता है, साथ ही साथ अपने कुयांग के रूप में तंबी भी। यहाँ मीना सीरी के बच्चे का सेक्रीफाइस देने ही वाली थी कि अचानक उसे कैबिन के बाहर किसी की हलचल सुनाई थी, और ये तंजिन और सेक्रेटरी थे जिसे मीना पकड़कर मार देते हैं और दोबारा अपने मिशन के लिए जाते हैं। और इससे पहले कि अब भी वो अपने मिशन में कामयाब हो जाती, ठीक वक्त पर तंबी आकर उनसे लड़ने लग जाते हैं। तंबी से लड़ने के लिए वो भी यहाँ अपने कुयांग वाले रूप में आ गई थी। इनके दरमियान इतनी बुरी लड़ाई चल रही थी कि वहाँ उनके कैबिन में आग भी लग गई। सीरी जो वहीं लेटी हुई थी, बीमो किसी तरह हिम्मत करता है और सीरी को वहाँ से बचाकर निकाल लाता है। हमें मालूम होता है कि टेंजन भी अभी मरा नहीं था। वो यहाँ बीमो को कुयांग के बाल देते हुए कहता है कि जाओ जाकर असली कुयांग को ढूंढो और उसे मार दो। ये सब करना आसान नहीं था क्योंकि कुयांग की बॉडी की बहुत से डेड गार्ड्स यानी भूत हिफाजत कर रहे थे, लेकिन बीमो हिम्मत नहीं हारता और इन बालों की मदद से कुयांग की असल बॉडी को ढूंढते हुए वो उसे लाकर जलते हुए कैबिन के अंदर फेंक देता है। अपनी बॉडी के जल जाने पर कुयांग कमजोर हो जाती है, जिसके बाद वो कुयांग यानी मीना के दिल पे हमला करते हुए उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मीना के मरते ही अगले सीन में हमें बताया जाता है कि इस गांव में सब कुछ ठीक हो गया था। सब लोग गांव में अब जान गए थे कि इस गांव में जो सलाह पाया था वो तंबी की वजह से नहीं बल्कि मीना की वजह से आया था। यहाँ पर बीमू और सीरी को तंबी और उसका हस्बैंड भी दिखाई देते हैं, लेकिन गांव जाने पे उन्हें मालूम होता है कि वो तो रात में ही मारे गए थे। तब बीमू समझ गया कि असल में तंबी और उसके हस्बैंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पर इन दोनों की सिर्फ हिफाजत करने के लिए आए हैं, क्योंकि कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि खतरा उनके गांव से पूरी तरह टला नहीं, क्योंकि एक मुंह छुपाए लड़की कुयांग मीना के सर को जिंदा करते हुए दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब है कि अब वो डीमन दोबारा उनके इस गांव पे हमला करेगा। और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।